हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे सूजी से बनने वाली बहुत ही नरम मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फी की रेसिपी, जिसे हम हलवाई से भी अच्छी बनाकर तैयार करेंगे, जो घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी। रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देर किस बात की है, बनाना शुरू करते हैं। सूजी की दानेदार और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है देसी घी। इसमें हम घी डाल देंगे और 1.5 से 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें घी बचा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो डालडा का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, इसमें मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से, जिससे मैंने घी लिया था उसी कप से मैंने 2 कप ली थी सूजी। सूजी मैं थोड़ी मोटी वाली यूज कर रही हूँ बर्फी बनाने के लिए, थोड़ी जो मोटी वाली सूजी होती है उसका यूज करते हैं। तो इसमें डाल देंगे और डालकर इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। पहले हम इसे 1 मिनट के लिए, तो सूजी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके भून लेंगे, ताकि जो सूजी है घी को अच्छे से अपने अंदर सोक कर ले। तो 1 मिनट हो गई है, हमने इसको हाई फ्लेम पे भून लिया है और सूजी ने घी भी अपने अंदर सारा सोक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना फ्लेम यहाँ पर हम कम कर देंगे और सूजी को 7 से 8 मिनट तक मीडियम और मीडियम लो पर भूनेंगे। सूजी को हमें पकाना है, पर इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, इसीलिए हम इसे कम फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो मुझे लो फ्लेम पे 6-7 मिनट हो गई हैं सूजी को भूनते हुए, इसमें से थोड़ी थोड़ी सी भुनने की खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, जो हमने घी बचाया था ना, उसको भी इसमें डाल देंगे और अब यहाँ पर हम फ्लेम मीडियम करके इसको 3 से 4 मिनट तक और भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सूजी में से जो है घी रिलीज होने लगा है और सूजी हमारी भून भी गई है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। तो अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। और ये मैंने 1/2 कप लिया है दूध और इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध डालने से क्या होगा, हमारी जो सूजी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और दूध डालने के बाद हम इसको कम फ्लेम पे 1 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। दूध डालने से जो इसके सूजी के चंक्स है ना, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो दूध डालने के बाद भी हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक पका लिया है और आप देख सकते हैं सूजी ने दूध को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ढककर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब तक हम इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन लिया है और जिस मेजरिंग कप से मैंने सूजी और घी का माप लिया था, उसी से मैं यहाँ पर 1.5 कप ले रही हूँ चीनी। मैं यहाँ पर 1.5 कप चीनी ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, यहाँ पर मैं 3/4 कप यानी कि 1/4 कप डाल रही हूँ इसमें पानी। पानी हम कम इसमें इसलिए डाल रहे हैं, जितना कम इसमें हम पानी डालेंगे उतनी ही जल्दी हमारी चाशनी बनकर तैयार होगी। अगर हम ज्यादा पानी डाल देंगे तो हमें चाशनी को ज्यादा देर पकाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीडियम फ्लेम करके इसको चीनी मेल्ट होने के बाद 2 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी चाशनी बन रही है, तो मैंने यहाँ पर एक थाली ली है और इसमें थोड़ा सा घी डाल लिया है। घी डाल लगाकर इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप बर्फी की ट्रे जो होती है उसका भी यूज कर सकते हैं, आप इस तरीके से जो हमारे घर में नॉर्मल थाली होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको ग्रीस कर लिया है, इसको साइड रख देते हैं। तो हमने अपनी चाशनी को 2 मिनट तक पका लिया है, लेकिन हम इसको जब तक पकाएंगे, जब तक इसमें 1.5 या 2 तार की चाशनी है ना बने, तो अभी इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। मैं यहाँ पर फ्लेम बंद कर देती हूँ, जो है हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं जैसे मैं इस तरीके से स्पैटुला से गिरा रही हूँ ना, तो इस तरीके से इसमें से तार बन रहा है। मैं यहाँ से स्पैटुला से लूंगी और ये देखिए आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से हमारी 1.5 तार की जो है चाशनी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ तो इसमें तार बन रहा है। तो इसी तरीके की हमें चाशनी चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम फ्लेम बंद कर देते हैं और चाशनी बनाने में हमें 6 से 7 मिनट का समय लगा है। तो यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाई ले ली है, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी चाशनी डाल देंगे और साथ ही में फ्लेवर के लिए 1/4 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें इलायची का पाउडर। अब हम क्या करेंगे, कम फ्लेम पर इसको पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, बहुत ज्यादा देर तक हम इसे नहीं पकाएंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी डाला था, वो क्लिप रिकॉर्ड करना मैं भूल गई हूँ, तो जब हम सूजी को भून रहे थे तभी हमने उसको उसमें डाल लिया था। तो ये देखिए मैंने इसको 1.5 मिनट तक पका लिया है, जिस तरीके से इसमें बबल्स आ रहे हैं ना, जब इसमें इस तरीके से बबल्स आने शुरू हो जाएं तो हम क्या करेंगे, फ्लेम बंद कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे हल्का ठंडा होने के लिए, और इसको पलटे से इस तरीके से घुमाते रहेंगे या फिर आप इसको फैन के नीचे रख दें। अगर हम इसे ग्रीस प्लेट में तुरंत डाल देंगे तो इसे सेट होने में समय लगता है। तो यहाँ पर हमने अपनी ग्रीस प्लेट ले ली है और 6-7 मिनट हो गए हैं, हमारी जो सूजी थी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसको इसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब हम इसको इसमें सेट कर देंगे इस तरीके से, जितनी आप मोटी या पतली बनाना चाहें उस तरीके से, और इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से स्पैटुला से। तो मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, अब हम इसकी यहाँ पर गार्निशिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं, इसको चॉप कर लिया है, और थोड़े से लिए हैं मैंने पिस्ते, इनको भी बारीक कट कर लिया है। गार्निशिंग आप अपनी पसंद से कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्पैटुला से इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इस पे सेट हो जाएं, नहीं तो जब हम इन्हें कट करते हैं ये निकल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही किचन सरफेस पे, 15 मिनट में अच्छे से सेट हो जाती है। तो हमारी 15 से 20 मिनट हो गई हैं, हमारी जो सूजी की बर्फी है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सेट हुई है। अब हम क्या करेंगे, एक नाइफ की हेल्प से अपने मनचाहे पीसेस में इसे हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने स्मूथली ये कट हो रही हैं। तो लीजिए हमने इन्हें कट कर लिया है, मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है, और ये देखिए एकदम हमारी बर्फी बनी है, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, दानेदार हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, और बिल्कुल हलवाई से भी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट और मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। तो लीजिए हमने इन्हें सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।